नमस्कार, बोल के लिए आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। ना कोई ताकत ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में किस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा चलाता है, और फिर वो प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए किस तरह से लोगों के घरों तक पहुंचता है, और लोग उसके जरिए किस तरह से ब्रेन वॉश होते हैं ना, आज मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों। एक नहीं, ढेरों मिसालों के जरिए, मगर जो मिसाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो बहुत शॉकिंग भी है और शर्मनाक भी। शॉकिंग इसलिए कि एक मीडिया हाउस इस कदर झूठ बोल रहा था और उस झूठ का प्रचार प्रसार अन्य मीडिया संस्थान कर रहे थे, और शॉकिंग इसलिए कि यह झूठ टेलीग्राफ ग्रुप की तरफ से आया है, महान टेलीग्राफ ग्रुप। झूठ क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्त। एबीपी न्यूज ने दावा किया अपने खबर के जरिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार हो गए, और इसके लिए इन्होंने कहा कि हमने नोबेल पीस प्राइज के डेप्यूटी लीडर असली तोये का इंटरव्यू किया, और उसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार हैं। क्या यह हकीकत है? हकीकत से दोस्तों ये कोसों दूर था। जब असली तोये से दोबारा इंटरव्यू किया गया और उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि क्या प्रधानमंत्री वाकई नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार हैं, तो उन्होंने कहा कि यह फेक न्यूज है, यह झूठी खबर है। सुनिए, नोबेल पीस पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार के डेप्यूटी लीडर असली तोये का क्या कहना है, आप खुद सुनिए उनका बयान। वो खुद कह रहे हैं यह फेक न्यूज है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, और यह बात समझ से परे है कि आखिर एबीपी न्यूज यह गलत बयानी क्यों कर रहा था। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Well, I'm not in India as the deputy leader of the Nobel Committee. I'm here as the director of International Peace and Understanding and as a friend of the India Centre Foundation. And I'm here in India to talk about geopolitics and development. That said, I am the deputy leader of the Nobel Committee. A fake news tweet was sent out, and I think that we should treat it as all fake news. It's fake. Let's not discuss it. Let's not give it energy or oxygen. I categorically deny that I said anything resembling what was in that tweet. That you are denying all the tweet content. Absolutely. तो सुना आपने? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये फेक न्यूज है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि एबीपी न्यूज के जो संपादक हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया आपके स्क्रीन्स पर। ये इनके संपादक हैं, कोई संत प्रसाद राय हैं। इनका कहना है, लगातार दो दिनों में दो बड़ी खबरें जो देश के अखबारों ने एबीपी न्यूज को क्रेडिट देते हुए छापा। जेल से लॉरेंस के इंटरव्यू के बाद अब नोबेल पीस प्राइज कमिटी के डेप्यूटी लीडर से उपाध्याय अभी की एक्सक्लूसिव बातचीत और नोबेल की संभावित दावेदारी पर नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करना बड़ी खबर है। यह खबर एबीपी न्यूज चला रहा था, और सिर्फ चला नहीं रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम के जो बाबा है, ढोंगी बाबा है, उनके सामने ये पत्रकार जो है नतमस्तक हो रहा था। वो झूम झूम कर इस गलत बयानी का प्रचार लोगों तक पहुंचा रहा था इस कार्यक्रम के जरिए जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मगर दरअसल इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा क्या था, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना दोस्तों, और नोबेल पुरस्कार के जो डेप्यूटी लीडर हैं असली तोये, उन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार हैं। शॉकिंग बात यह है कि उन्होंने तो ऐसा कहीं नहीं कहा, मगर एबीपी न्यूज ने जो गलत बयानी की या फिर जो झूठी खबर आगे फैलाई, उस खबर को तमाम अखबार, तमाम न्यूज चैनल्स चला रहे हैं बगैर उसे क्रॉस चेक किए। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान ने भी वही खबर चलाई, टाइम्स नाउ ने भी वही खबर चलाई, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी वही खबर चलाई, और इंडिया टुडे ने भी वही खबर चलाई। अब आप सोच रहे होंगे दरअसल इंटरव्यू में उन्होंने कहा क्या, तो हाथ कंगन को आरसी क्या। आप देख सकते हैं कि द हिंदुस्तान ने बाकायदा उस इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब किया है, यानी कि शब्दशः छापा है, और क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में
असली तोये ने मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक तोये ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों को लगातार फॉलो कर रहे हैं और उनके जैसा पावरफुल लीडर के पास शांति बनाए रखने की क्षमता है। नोबेल पुरस्कार को लेकर उन्होंने कहा कि नोबेल पीस प्राइज के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों के नॉमिनेशन मिल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि दुनिया का हर नेता वो काम करे जो नोबेल पीस प्राइज के लिए जरूरी हो। आगे रिपोर्ट के मुताबिक असली तोये ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास को लगातार फॉलो कर रहा हूं, मोदी जैसा पावरफुल लीडर के पास शांति बनाए रखने की क्षमता है। आप देख सकते हैं ये बात उन्होंने कही। अब टाइम्स नाउ जो कहने को एबीपी न्यूज का कॉम्पिटिटिव चैनल है, यानी उनके साथ प्रतिस्पर्धा है, बजाय कि एबीपी न्यूज ने जो गलत बयानी की या गलत खबर चलाई उसका पर्दाफाश करने के बजाय ये लोग भी चला रहे हैं। असली तो ये इज द डेप्यूटी लीडर ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, इट इज द कमिटी दैट डिसाइड्स द नोबेल पीस प्राइज विनर। द कमिटी हैज अराइव्ड इन इंडिया एंड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज विद एबीपी न्यूज असली तो ये सेड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल फेसेस ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिक टाइम्स भी दोस्तों वही गलत बयानी कर रहा है एबीपी न्यूज का हवाला देते हुए आपके स्क्रीन पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट कॉन्टेंडर फॉर द नोबेल पीस प्राइज एंड इज द मोस्ट रिलायबल फेस ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। ये बात असली तोये ने कहीं नहीं कही। अभी अभी मैंने आपको उनका इंटरव्यू सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज है, ये फर्जी न्यूज है, गलत खबर है। और इंडिया टुडे, उन्होंने भी इसी गलत बयानी को आगे किया, फॉरवर्ड किया। ये देखिए, मोदी बिगेस्ट कॉन्टेंडर फॉर नोबेल पीस प्राइज। अब आप समझते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस कदर जलवा है लोगों में, क्योंकि इसी तरह से मीडिया गलत बयानी करता है और फिर वो अपने समाचार चैनल्स के माध्यमों से करोड़ों घरों तक इस झूठ को फैलाते हैं। और सिर्फ समाचार चैनल्स के माध्यम से नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक व्यक्ति है जिनका नाम है हिरेन जोशी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को बताया था कि देखिए, अभिसार शर्मा हो या रवीश कुमार, ये ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों तक पहुंचते हैं? 50 लाख, 1 करोड़, उससे ज्यादा नहीं। मगर हम सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए करीब 18 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं। यानी कि एक तरफ मीडिया के न्यूज चैनल्स गलत बयानी करते हैं, इस झूठ को आगे फैलाते हैं, और फिर व्हाट्सएप के जरिए यह दुष्प्रचार, यह झूठा प्रचार फैलाया जाता है। कितने शर्म की बात है ना दोस्तों, कितने शर्म की बात है। ऐसे में आप बताइए दोस्तों कि विपक्ष के नेता वो कैसे प्रधानमंत्री से मुकाबला करेंगे, क्योंकि विपक्ष के नेताओं की छवि लगातार बर्बाद की जा रही है। आपके सामने मिसाल है, राहुल गांधी ने कहीं पर भी नहीं कहा कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन या लंदन या ब्रिटेन आकर दखल दें भारत के अंदर, कहीं नहीं कहा उन्होंने। उल्टा उन्होंने यह कहा कि भाई ये भारत का आंतरिक मामला है। मगर एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो किरण रिजिजू हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो सांसद निशिकांत दुबे, सब लोग एक के बाद एक उसी झूठ को दोहरा रहे हैं और यह झूठ घर तक पहुंचता है। जो बात राहुल गांधी ने कही नहीं उसके लिए उन पर निशाना साधा जा रहा है। और प्रधानमंत्री का कैसे महिमा मंडन किया जाता है मैं आपको दिखला चुका हूं, जो एबीपी न्यूज ने किया, और बगैर तथ्यों की जानकारी लिए हुए उसी गलत जानकारी को अन्य न्यूज चैनल्स भी आगे पहुंचाते हैं। मगर बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, देखिए किस तरह का प्रोपेगेंडा प्रधानमंत्री के पक्ष में न्यूज चैनल्स चलाते हैं, उन चीजों के लिए भी उन्हें श्रेय दिया जाता है जिससे उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। दिखाता हूं साहब, मोदी अब छोड़ेंगे नहीं महाभारत, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जीत का मंत्र, अब बरसेगा सोना ही सोना। यानी कि नीरज चोपड़ा हो या हमारे जो तमाम काबिल खिलाड़ी हों, वो अच्छा खेले कोई मायने नहीं है। जीत का मंत्र किसने दिया न्यूज चैनल्स के मुताबिक? प्रधानमंत्री मोदी ने। आगे देखिए साहब, इंडिया के पापा, ये है इन मीडिया न्यूज चैनल्स की हकीकत, जो प्रधानमंत्री को अपना पापा मानते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं पापा की परियां, जिस बात को लेकर कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। आगे देखिए साहब, पाकिस्तान मांगे मोदी जैसा लीडर,
अरे भाई, भारत का लीडर बन जाइए, यहां की समस्याओं का समाधान कर दीजिए, फिर पाकिस्तान चले जाइएगा। आगे देखिए साहब, मोदी का फैसला मानेंगे पुतिन और बाइडन? फिर देखिए, मोदी का दम बाकी बेदम, मोदी ने पिछली बार बचा लिया, अब कौन बचाएगा? फिर देखिए, मैं जिंदा लौट आया, याद है आपको? पंजाब में पुल में प्रधानमंत्री फंस गए थे क्योंकि 2 किलोमीटर आगे किसान प्रदर्शन कर रहा था। तब प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर ANI को इंटरव्यू में यह कहा था कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया, यानी कि विक्टिम कार्ड खेलो, खुद को पीड़ित बताओ। और यह बार बार होता है, याद नहीं आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि मुझे 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं? हाल ही में अपनी हर चुनावी सभा में वो कह रहे थे कि वो लोग मोदी को मारना चाहते हैं, यानी कि बार बार विक्टिम कार्ड खेलना। आगे देखिए मीडिया क्या करता है, मोदी मंत्र से मिटेगा कोरोना, और आप जानते हैं कि दूसरी लहर में कितनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। वैक्सीन गुरु, यानी कि वैक्सीन का निर्माण मोदी जी ने किया। और याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा था कि अगर वैक्सीन से कोई दुष्प्रभाव होता है तो इसका दोष सरकार पर नहीं मढ़ा जा सकता क्योंकि एक थर्ड पार्टी वैक्सीन का निर्माण कर रही है। एक तरफ ये बेहुदा न्यूज चैनल्स उन्हें वैक्सीन गुरु कहते हैं और दूसरी तरफ वैक्सीन से जो दुष्परिणाम होते हैं ये सरकार उसे ओनअप भी नहीं करता है, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेती है। चलिए ये तो बहुत छोटी सी चीज है दोस्तों, यहां तो वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए भी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को देने की तैयारी थी। देखिए साहब, क्या प्रधानमंत्री मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप? खबरदार। और अफसोस की बात यह थी दोस्तों कि उसके बाद भारत वो वर्ल्ड कप हार गया था इस कार्यक्रम के चलाए जाने के बाद। आगे देखिए, चांद पर होगा मोदी, मोदी का बाहुबली अवतार, कोई नहीं है टक्कर में। और फोटोज किसकी हैं? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज प्रेसिडेंट और जो बाइडेन की। मोदी विश्वगुरु, सियासत शुरू, प्रधानमंत्री मोदी बने बाहुबली। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के YouTube चैनल पर एक वीडियो चल रहा है, मुझे चलते जाना है, किशोर कुमार का वो गाना था ना, मुझे चलते जाना है बस चलते जाना। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में एक प्रचार चला रही कि प्रधानमंत्री को तो चलते जाना है, बाकी लोग हमला करते रहते हैं। विडंबना यह है कि इस वीडियो में अगर आप गौर करें, फिर से देखिए फुल स्क्रीन पर देखिए, कमेंट्स को डिसेबल किया हुआ, यानी कि जो लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो कुछ नहीं कह सकते, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब नहीं देते, पिछले 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया, इंटरव्यूज दिए भी हैं तो अपने चाटुकार पत्रकारों को, और अब यह दावा किया जा रहा है कि मुझे तो चलते जाना है मगर कमेंट सेक्शन ऑफ किया हुआ है। इस वक्त जब मैं आपसे न्यूज क्लिप पर बात कर रहा हूं तो आपको भला बुरा मुझसे जो भी कहना होता है आप कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं ना। मैंने अपने कमेंट सेक्शन को डिसेबल तो किया नहीं हुआ है, यानी बंद तो नहीं किया हुआ है। तो देश के प्रधानमंत्री जो खुद को प्रधान सेवक बताते हैं उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन क्यों डिसेबल किया, क्यों उसे बंद किया हुआ है? ये सवाल इस देश के नागरिक होने के नाते आपको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? जो गलत बयानी ABP न्यूज कर रहा था और उसी का अनुसरण करते हुए हिंदुस्तान, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, ये तमाम न्यूज चैनल्स कर रहे थे या अखबार कर रहे थे, इसको लेकर आपको इन न्यूज चैनल से सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? आपको उन पत्रकारों से सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए जो 2000 नोट में चिप ढूंढते हैं और फिर कार्यक्रम करते हैं कि वर्ल्ड कप जिताएंगे मोदी जी, या वो पत्रकार जो कहती हैं इंडिया के पापा हैं मोदी जी? यह हालत हो गई इस देश की पत्रकारिता की और यह हालत है इस देश की। और मैं इस कार्यक्रम के जरिए आपको सिर्फ इतना बतलाना चाहता था कि किस तरह से प्रधानमंत्री के पक्ष में एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है, एक झूठ का प्रचार प्रसार किया जाता है, लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है और इसी के जरिए लोग ब्रेन वॉश होते हैं। बात समझ आई?
बोलो, मैं जो कह रहा हूं बात समझ आई कि नहीं आई, या उबर्जन गल गया? समझो मैं क्या कह रहा हूं। अभिषेक शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।